दोस्तों, फसलों में अभी लीफ कलर डिजीज का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पत्ता मरोड़ रोग का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है और स्पेशली मिर्च और टमाटर की क्रॉप में इसका अटैक सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा दोस्तों मिर्च की क्रॉप में होता है। मिर्च की क्रॉप बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, अटैक बहुत ज्यादा होता है, कीटू का अटैक ज्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा मिर्च में, उसके बाद में टमाटर और अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी इसका अटैक बहुत ज्यादा होता है। तो ये लीफ कर्ल डिजीज क्या है, कैसे आप शुरुआती स्टेज में पहचान कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, अटैक अगर ज्यादा है तो तुरंत आप अपनी फसल को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इफेक्टिव ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों, की लीफ कलर डिजीज यानी कि पत्ता मरोड़ रोग किस रीजन से होता है, कितने टाइप से ये होता है, तो तीन टाइप से इसका अटैक होता है। तीन अलग अलग तरीके से इसका अटैक आपकी क्रॉप में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात की जाए कि लीफ अगर ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो ये थ्रिप्स का अटैक होता है। मेन थ्रिप्स का अटैक होता है, बाकी अन्य सेकिंग पेस्ट का भी अटैक होता है, लेकिन मेन थ्रिप्स की वजह से ही सबसे पहले नई पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू होंगी, उसके बाद में पुरानी पत्तियां भी ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाती हैं। तो ये इसकी मेन पहचान होती है कि थ्रिप्स का अटैक आपकी क्रॉप में हो चुका है। सेकंड दोस्तों, कि अगर लीफ नीचे की तरफ मुड़ रहे, सबसे पहले किनारे मुड़ेंगे और उसके बाद में पूरी लीफ ही नीचे की तरफ मुड़ जाती है, तो ये होता है माइट्स का अटैक, मकड़ी के अटैक की वजह से ये होता है। मकड़ी के अटैक को आप कैसे पहचान कर सकते हैं, सबसे पहले तो कि पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं, या फिर पत्तियों को आप नीचे की तरफ पलट करके देखेंगे तो नीचे की तरफ से लीफ हल्की हल्की व्हाइट कलर की दिखाई देगी या फिर रेड कलर की दिखाई देगी, तो ये मकड़ी का अटैक होता है। व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, या अन्य जो भी सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले कीटू का अटैक है, इन सब की वजह से फैलता है वायरस रोग। तो वो लास्ट स्टेज होती है। वायरस के अटैक कैसे पहचान कर सकते हैं, पूरे पौधे की पूरी पत्तियां ही ऊंची नीची हो जाएंगी और ऊपर की तरफ मुड़ेंगी या नीचे की तरफ मुड़ेंगी, और बीच में से लीफ है वो ऊंची नीचे आपको उबड़ खाबड़ सी दिखाई देगी, तो ये होता है वायरस का अटैक। पूरी लीफ ही खराब हो जाती है, उसके साथ ही पूरे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। अगर फ्लोरिंग स्टेज में तो फ्लावर्स ड्रॉप हो जाएंगे, फ्रूटिंग स्टेज में तो फ्रूट की साइज नहीं बनती है, और अगर फ्लोरिंग है एक दो फ्रूट बने भी तो उनकी प्रॉपर साइज नहीं बनती है, तो ये होता है वायरस का अटैक। क्रॉप की बात की जाए तो सबसे ज्यादा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मिर्च में इसका अटैक सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद में टमाटर है, या अन्य जो भी जिस भी फसल के लीफ थोड़ी बड़ी होती है उन सब में इनका अटैक हो सकता है। अब दोस्तों, की लीफ कलर डिजीज की अटैक की वजह से नुकसान क्या होता है फसलों में, तो ये रस चूसने वाले कीट है, पत्तों का पौधे का रस चूसते हैं। रस चूसने की वजह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बना पाती है, पौधा भोजन नहीं बना पाता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। फल वगैरह लगे हुए हैं उनका रस चूसते हैं, थ्रिप्स वगैरह का अटैक अगर हो जाता है और फ्लोरिंग स्टेज में ही अटैक हो गया, बाद में आपने कंट्रोल कर लिया लेकिन फ्लोरिंग स्टेज में ही हो गया, तो फल वहीं से खराब होना शुरू हो जाते हैं। फल है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और ऊपर सिल्वर कलर की सी परत सी दिखाई देगी, तो ये थ्रिप्स का अटैक जब फ्लोरिंग स्टेज में था फल उसी समय हुआ, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा नुकसान इन कीटों की वजह से होता है। बात की जाए दोस्तों कि इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, लीफ कलर डिजीज को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों, हर वीडियो में मैं शेयर करती हूँ, आपकी कोई भी क्रॉप है, स्पेशली सब्जी वर्गीय क्रॉप है, तो जब भी आप प्लांटेशन करें या सीड आपकी जर्मिनेट हो गए, तभी आपको सबसे पहला काम करना है येलो और ब्लू स्टिकी ट्रेप आपके प्लॉट में जरूर लगाने हैं। आप कितने भी लगा सकते हैं, मिनिमम आपको एक एकड़ में 6 लगाने ही लगाने हैं, उससे ज्यादा भी आप कितने भी लगा सकते हैं, और बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में ये अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो कि वायरस है या कोई भी कीट वगैरह का अटैक होता है, तो सबसे पहले आप उन पर स्टिकी ट्रेप पर देख करके पहचान कर सकते हैं कि किस टाइप के कीटू का अटैक आपके प्लॉट में हुआ है। सेकेंड, कि ये लाइफ साइकिल को ब्रेक कर देते हैं, तो इसलिए बहुत ही जरूरी है येलो और ब्लू स्टिकी ट्रेप लगाना।
सेकंड सावधानी के तौर पे कर सकते हैं दोस्तों कि आप प्रिवेंटिव में ही स्प्रे करते रहिए अपने क्रॉप में। अगर मिर्च के क्रॉप है तो आपको प्रिवेंटिव में ही 15 दिन के गैप से या 20 दिन के गैप से अगर आप स्प्रे हल्का स्प्रे भी लेते रहते हैं किसी भी कीटनाशक का, तो आपकी क्रॉप में कीटों का अटैक देखने को नहीं मिलता है। अब दोस्तों की लीफ कलर डिजीज को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर अटैक हो चुका है, लीफ ऊपर की तरफ मुड़ रही है या नीचे की तरफ मुड़ रही है, तो सबसे पहले तो दोस्तों पहचान करनी है क्रॉप की लीफ किस टाइप से मुड़ रही है, ऊपर या नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है तो आपको माइटीसाइड का यूज करना है, ऊपर की तरफ मुड़ रही है तो आपको ऐसे कीटनाशक का यूज करना है, ऐसे इंसेक्टिसाइड का जो कि थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई वगैरह सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करें। और थर्ड ऑप्शन भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मकड़ी का अटैक है या फिर थ्रिप्स वगैरह व्हाइट फ्लाई का अटैक है, वो भी मैं शेयर करूंगी एक ही ट्रीटमेंट से वो, लेकिन लास्ट में आपको स्प्रे करना है। एक ही ट्रीटमेंट से आपकी क्रॉप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई वगैरह सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला आपको स्प्रे प्रिवेंटिव में भी आप कर सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड टेक्निकल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे बायर का आता है कॉन्फिडोन नाम से, 17.8% आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। उसके साथ ही कॉन्फिडोर सुपर नाम से भी आता है जो कि 30.5% आता है। थर्ड बायर का एक और आता है जो कि WG फॉर्म में आता है एडमायर नाम से, ये 70% आता है एडमायर में। तो एडमायर थोड़ा सा महंगा कीटनाशक है, सबसे बेस्ट और हर जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है कॉन्फिडोर, जिसमें कि 17.8% आता है, लिक्विड आता है। इसका आप स्प्रे प्रिवेंटिव में भी कर सकते हैं और अटैक हो चुका है तब भी आप कर सकते हैं। कॉन्फिडोर की आपको डोज लेनी है 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। सेकंड है दोस्तों थायोमेथोक्सम। अब ये थायोमेथोक्सम 25% बहुत सारी कंपनियों का आता है ग्रैनुअल फॉर्म में, WG फॉर्म में, आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे कि एक्तारा नाम से आता है या बायोस्टेड का एविडेंट नाम से आता है। तो आप टेक्निकल कंटेंट ध्यान रखिए, इसका भी आप फसलों में स्प्रे करेंगे। थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, सकिंग पेस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, ये भी सिस्टमिक कीटनाशक है। इसका आप डोज कम लेकर के प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अटैक है तब भी आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। और थायोमेथोक्सम 25% WG फॉर्म की डोज आप 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कीजिए। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का पैकेट आप आराम से यूज कर सकते हैं, 200 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और स्प्रे कीजिए। थर्ड ऑप्शन दोस्तों थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, मिली बग वगैरह है या किसी भी टाइप की लट वगैरह का अटैक है और अटैक थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको यूज करना चाहिए लिसेंटा जो कि बायर का ही आता है, और घरडा का पुलिस कीटनाशक भी सेम टेक्निकल कंटेंट का आता है। तो पुलिस या लिसेंटा में से कोई सा भी एक कीटनाशक आप ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड भी 40% आता है और फिप्रोनिल भी 40% आता है, कॉन्टेक्ट प्लस सिस्टमिक का ये कॉम्बिनेशन आता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। सबसे पहले दोस्तों आप थायोमेथोक्सम या इमिडाक्लोप्रिड का आप यूज कीजिए, अगर अटैक ज्यादा हो गया तो आप फिर सिस्टमिक प्लस कॉन्टेक्ट डबल एक्शन वाले कीटनाशक की तरफ जाइए। इसकी डोज दोस्तों लिसेंटा या पुलिस की डोज रहेगी 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम का 100 लीटर पानी में आप मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। और फोर्थ कीटनाशक वो है डाइमेथोएट, 30% आता है इसी फॉर्म में, रोगर नाम से ये मार्केट में काफी फेमस है, तो बहुत सारी कंपनियों का डाइमेथोएट 30% आता है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके आपको फसलों में स्प्रे करना है। अटैक अगर कम है या फिर आप प्रिवेंटिव में यूज कर रहे हैं तो डोज आप कम रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको डोज नहीं लेनी है। और फिफ्थ नंबर का कीटनाशक है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, बायर का आता है जंप कीटनाशक, अगर ये अवेलेबल हो जाए तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आता है फिप्रोनिल, 80% आता है, WG यानी ग्रैनुअल फॉर्म में आता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज आपको बहुत ही केयरफुली लेनी है, अगर 15-16 लीटर के टैंक में आप यूज करें तो 2 ग्राम का पाउच आता है, वो आप पाउच डालिए और स्प्रे कीजिए। एक साथ घोल तैयार कर रहे हैं तो 40 ग्राम आप 1 एकड़ के लिए यूज कीजिए, 40 ग्राम का पैकेट आता है, उसको आप 200 लीटर पानी में मिक्स करके फसलों में स्प्रे करें। और दोस्तों अगर आप रस चूसने वाले और चबाने वाले कीट, यानी कि अगर आपकी क्रॉप में एक साथ ही
थ्रिप्स वगैरह, व्हाइट फ्लाई है, किसी टाइप के लट वगैरह, स्टेम बोरर वगैरह का भी अटैक हो चुका है। ऐसे एक साथ सभी प्रकार के कीटों को कंट्रोल करने के लिए आप ब्लैक थ्रिप्स का भी अटैक हो चुका है उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, तो इसके लिए अच्छा ऑप्शन है आप धानुका का लार्गो कीटनाशक यूज कर सकते हैं, या सेमी टेक्निकल कंटेंट का आता है डव एग्रो साइंस का डेलिकेट कीटनाशक। तो डेलिकेट या लार्गो में से आप कोई सा भी यूज कर लीजिए। स्पिनटोरम 11.7% एससी फॉर्म में आता है। इसके साथ में अगर फंगस जनित रोगों का अटैक है तो उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे, आप फंगिसाइड मिला सकते हैं साथ में। 1 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी क्रॉप में फ्लोरिंग से जैसे फ्रूट सेटिंग का टाइम है और अगर उस टाइम अटैक हो गया तो उस टाइम के लिए फ्रूटिंग के टाइम में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये डेलिकेट कीटनाशक, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों सेकेंड ऑप्शन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी क्रॉप में पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं या फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये रस चूसने वाले कीटों का अटैक है या फिर मकड़ी का अटैक है, समझ में नहीं आ रहा, तब भी आप इन कीटनाशकों का यूज कर सकते हैं। 3 ऐसे इंसेक्टिसाइड प्लस माइटीसाइड का आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी जो सभी प्रकार के कीटों को, रस चूसने वाले कीटों को, उसके साथ ही मकड़ी को भी कंट्रोल करेंगे और लीफ माइनर को भी कंट्रोल करेंगे क्योंकि इनमें ट्रांसलेमिनार एक्शन आता है, इनके लिए सबसे बेस्ट है दोस्तों आप यूज कर सकते हैं एबासिन जो कि क्रिस्टल का आता है, जूलियट नाम से भी आता है सैनफायर कंपनी का, तो इन दोनों में से या फिर और भी किसी कंपनी का अगर एबामेक्टिन मिल जाए तो आप उसका यूज कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थ्रिप्स वगैरह को, एफिड्स वगैरह को, जो भी सकिंग पेस्ट है, रस चूसने वाले कीट है, इनको भी कंट्रोल करता है और मकड़ी को भी कंट्रोल करता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन है, कॉन्टेक्ट कीटनाशक है लेकिन इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन होने की वजह से ये लीफ माइनर को भी कंट्रोल कर लेता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। एबामेक्टिन, एबासिन में एबामेक्टिन 1.9% आता है, लिक्विड आता है, इसका इस्तेमाल आपको 1 एकड़ के लिए 150 ml से 200 ml आपको 200 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है। अगर अटैक कम है या फिर प्रिवेंटिव में आप यूज कर रहे हैं तो 150 ml आप यूज कर लीजिए 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के लिए, और अगर अटैक ज़्यादा है और आप कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं ले रहे हैं, अन्य कोई कीटनाशक या कोई फंगिसाइड वगैरह, तो फिर आप इसकी 1 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर लीजिए, यानी 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के लिए आप स्प्रे करें। अगर दोस्तों आपकी क्रॉप में थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई या फिर उसके साथ में मकड़ी और साथ में फ्रूट बोरर, शूट बोरर का भी अटैक है, क्रॉप फ्रूटिंग स्टेज में है, तो आपको यूज करना है सिजेंटा कंपनी का आता है वॉल्यूम टार्गो कीटनाशक। इसमें क्लोर एंट्रानिलीप्रोल 4.3% आता है, प्लस एबामेक्टिन भी आता है 1.7%। तो इस तरीके से ये सभी प्रकार के कीटों को, लट को कंट्रोल कर लेता है और बहुत ही इफेक्टिव है। 1 ml/L के हिसाब से ही घोल तैयार करके फसलों में आप स्प्रे कीजिए इसका। और थर्ड ऑप्शन है दोस्तों बायर का मूवेंटो कीटनाशक, मूवेंटो एनर्जी नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। इसमें आता है इमिडाक्लोप्रिड 11.01% और स्पायरो टेट्रामेट आता है 11.01%, दोनों के इक्वल क्वांटिटी आती है। इसकी भी डोज आप 1 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों और भी किस टाइप की क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।